हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितने तिल लिए हैं। लगभग मैंने 2 कटोरी पूरी भर के तिल ले लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जैगरी लिया है गुड़, और यहाँ पे मैंने 2 कप जितना देसी घर का घी लिया है। फ्रेंड्स, इसका सेपरेट वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक नॉनस्टिक पैन ले लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें तिल को अच्छे से सेकना है। फ्रेंड्स, तिल को सेकने से पहले तिल को अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कंकर या फिर कुछ तो है नहीं, और उसके बाद उसे साफ़ करने के बाद ही इसे हम सेकेंगे। और इसे हमें कलर चेंज होने तक नहीं सेकना है, उसे सिर्फ उसमें से कचास दूर हो जाए उस तब तक ही इसे हमें सेकना है। 2 मिनट तक हमें इसे सेक लेंगे, उसके बाद इसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमें उसी नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून जितना देसी घर का घी डालना है, और 2 टेबलस्पून देसी घर का घी मेल्ट हो जाए उसके बाद हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। फ्रेंड्स, गुड़ की जगह आप चीनी का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो फ्रेंड्स, तो इससे थोड़ा क्वांटिटी वाइज ज़्यादा भी ले सकते हो। लेकिन 2 कप तिल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1 कप जितना गुड़ लिया है, जो एकदम सही क्वांटिटी है। इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद इसको हमें मेल्ट हो जाए तब तक घुमाना है, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये बबल आना स्टार्ट हो गया है, तभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तिल को इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है, तिल के ऊपर पूरा गुड़ का परत जम जाना चाहिए इस तरह से, और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक इसे ठंडा होने देना है। ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें लड्डू बनाने हैं। ठंडा मतलब इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि ये अच्छे से लड्डू बन ना पाए, मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे कि हम उसको हाथ पे ले सके। गर्मा गर्म इसे करोगे तो हाथों पे ये चिटक जाता है, तो ये थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही लड्डू बनाएंगे। पहले हम हाथों पे घी को स्प्रेड करेंगे, उसके बाद थोड़ा ले लेंगे इस तरह से, और छोटे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हमें लड्डू को क्रिएट करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इतने प्यारे छोटे लड्डू मैंने बनाए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से मकर संक्रांति के पवित्र त्यौहार पे आप भी इसी तरह से मस्त लड्डू बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो बन गए हैं हमारे मज़ेदार तिल के लड्डू। दिखने में भी इतने टेस्टी लग रहे हैं, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी आपकी तुरंत क्रिएट हो जाती है। फ्रेंड्स, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है और वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स देख सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।